दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के दिन यह पांच चीज जरूर खरीद ले आना, सारा घर पैसों से भर जाएगा। दोस्तों नए साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। हमें एक नए सुबह के साथ एक नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर आपका साल अच्छा से गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 2024 आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी चीज़ आपको नए साल के दिन खरीदनी है। देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके एक नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही यह समय आपके लिए अच्छा रहता है। 2024 में यानी 1 जनवरी के दिन, नए साल के दिन, ऐसी कौन सी सामग्री है जो आप अपने घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष आपके घर में धन का भंडार भरा रहेगा, मां लक्ष्मी कृपा बरसेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है दोस्तों जनहित एवं जन कल्याण करना। देखे, बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए साल के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद करके लाते हैं तो बिल्कुल ही वो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वो आपके जीवन में एक नए ऐसा लाभ देता है जो पूरी ज़िंदगी भर आपको स्वयं धन की प्राप्ति होती है और आप स्वयं अपने जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। ये ऐसी सामग्री हैं जो धनदायक हैं, फलदायक हैं, जिसे आप नए साल के दिन, नए वर्ष के पहले दिन घर में ज़रूर आप लाएँ या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़रूर खरीद करके लाएँ तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में 2024 में इतना धन वैभव, सुख संपत्ति, रुपया पैसे की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें घर में नए साल के पहले दिन ही हटा देनी चाहिए, यानी ये चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। नए साल के दिन जैसे आपके घर में कैलेंडर है, पुराना कैलेंडर है या फिर फटा हुआ कैलेंडर है, घड़ी है, तो आप इन्हें बाहर कर दें। जाला वगैरह अगर आपके घर में है, कूड़े कचड़े हैं, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तो आपको नए साल के पहले दिन अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। कूड़ा कचड़ा बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, पूरे घर को स्वच्छ। ऐसे में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, नहीं तो फिर माता लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो नए साल के दिन अगर आप चाहते कि आपके घर में दरिद्रता ना आए, गरीबी ना आए और अलक्ष्मी प्रवेश ना करे तो आप अपने घर की साफ सफाई को बेहतर ढंग से कर लें। माँ लक्ष्मी जी पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव धन बरसाएंगी आपके घर में अगर आप ऐसा करेंगे, दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों नए साल के दिन हो सके तो गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें नए साल के दिन, और पूजा पाठ जरूर करें, इससे पूरे घर में वातावरण शुद्ध बना रहता है। गंगा जल की एक बूंद आपके घर को पवित्र बना देती है। तो नए साल के दिन गंगा जल से अगर अपने घर को छिड़काव करते हैं तो पूरा घर आपका तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, निगेटिविटी दूर होती है। दोस्तों उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। जिस घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता नहीं दूर होती। और साथ ही नए साल के दिन धूप भी जरूर जलाएं अपने घर पर ताकि आपके घर में जो धूप की महक और सुगंध है ये देवताओं को आकर्षित करती है, और जब देवता वास करते हैं तो घर में हमेशा खुशहाली छाई रहती है। दोस्तों पिछला साल कैसा भी गया हो लेकिन आप चाहते हैं कि ये नया साल एक नए सुबह के साथ एक नए कल की शुरुआत करना चाहते हैं, खुशी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको नए साल के दिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिन्हें घर में खरीद कर लाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नत होगी, धन दौलत से परिपूर्ण बने रहेंगे। दोस्तों ये कलिकाल है, अगर आपके पास धन दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल और केवल आपको आपके ऊपर हंसते हैं, आपकी हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। इस कलिकाल में धन का होना भी बहुत जरूरी है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कोई बात नहीं है। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियाँ हैं जिसे आपको नए साल के दिन खरीद के घर में लाने से आपके मेहनत की तुलना में कई हजार गुना ज़्यादा आपको धन लाभ मिलता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नत हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नए साल के दिन 2024 के दिन 1 जनवरी
के दिन घर में खरीद करके लाने से, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नत हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की वृद्धि हो, हमारे घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष आप चाहते हैं कि धन दौलत माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की कमी आपके घर में ना हो और तेजी से बढ़ोतरी हो, तो आप हमारे वीडियो में बताई हुई ये जो मैं सामग्रियां बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज़ अपने घर जरूर लेकर आना। दोस्तों यकीन मानिए, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी पूरे साल। सबसे पहले तो दोस्तों आपको नए साल के दिन एक मिट्टी का सुराही या फिर घड़ा अवश्य लेकर आए, छोटा सा जैसा भी आपको मिल जाए सुराही या घड़ा जरूर खरीद कर लेकर आए, और इसे आप उत्तर दिशा में या ईशान कोण पर रख दीजिए नए साल के दिन, ये बहुत ही अति उत्तम होगा। दोस्तों बता दें कि आपको इसके पास एक घी का दीपक भी अवश्य जला दें, चाहे तो इस जब घड़े को लेकर आएंगे, इस सुराही को, तो इसमें आप अगर बाजार से ला रहे हैं तो इसमें चावल भरकर लेकर आएँ, बहुत ही शुभ होता है, एक रुपये का सिक्का भी इसमें डाल दें। दोस्तों मिट्टी का पात्र अच्छा माना जाता है, उत्तर दिशा में रखने से देवताओं की प्राप्ति होती है, देवता खुश होते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। दोस्तों नए साल के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुर के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंख को सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। शंखों में, इस शंख को घर में रखने से नए साल के दिन धन धान की कमी नहीं होती है, तो नए साल के दिन जरूर खरीद कर लेकर आएं। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख के बारे में लिखा कि जब भी व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों दिशाओं से निराशा उसके हाथ में लगती है, व्यापार में असफलता आर्थिक उन्नति के उपाय में विफल नजर आते हैं, व्यापार में असफलता होती है, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नत का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम है तो आप दूध भरकर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं नए साल के दिन, तो ये उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अभिषेक आप गंगा जल से भी कर सकते हैं, सादे पानी से भी कर सकते हैं, फिर इसी के बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान से आपका घर हमेशा भरा रहता है। तो नए साल के दिन ये जरूर करें, नए साल के दिन शंख को आप जरूर लेकर आएं, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही, चूंकि कमल गट्टे का बीज अगली वस्तु है, कमल गट्टे के बीज अगर आप नए साल के दिन अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, और कमल का बीज यानी कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कमल गट्टा वर्षों की गरीबी को मिटा सकता है। दोस्तों कहते हैं कि कमल के पांचों अंगों में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है, माँ को कमल का एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक कमल के बीज अर्थात कमल गट्टा से भी लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों नए साल के दिन धार्मिक किताबों, व्रत कथा पुस्तकें आदि घर में लाने से अत्यंत शुभ कारक माने जाते हैं। दोस्तों नए साल के दिन आप अपने घर में एक मुट्ठी धनिया जरूर लेकर आएं। एक मुट्ठी धनिया आपकी गरीबी को मिटा देगा, आपकी कंगाली को मिटा देगा, एक मुट्ठी धनिया, क्योंकि धनिया में मैं माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं, धनिया बहुत ही प्रिय होती है माता लक्ष्मी को, और नए साल के दिन धनिया लेकर आने से घर में शुभ होता है, घर में हमेशा खुशहाल छाई रहती है, खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों हो सके तो कछुआ आप जरूर लेकर आएं, चांदी का भी कछुआ, पीतल का, या फिर आप चाहें तो तांबे का भी कछुआ लेकर आएं। कछुआ लाने से घर में हमेशा धन टिकता है, धन वैभव हमेशा रुकता है, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, तो कछुआ मिल जाए तो कछुआ लेकर आएं। साथ ही अगर कौड़ी, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय चीज़ है कौड़ी, कौड़ी आप जरूर नए साल के दिन लेकर घर आएं। कौड़ी लेकर आने से माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसती है, घर में कभी भी निर्धनता नहीं बनी रहती है। साथ ही गोमती चक्र, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, गोमती चक्र भी जरूर लेकर आएं, और नए साल के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति जरूर लेकर आएं, और इसे आप स्थापित करें, पूजा स्थान पर रखें और पूजा करें। नए साल के दिन ऐसा करने से आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, निर्धनता दूर होती है। साथ ही दोस्तों झाड़ू, नए साल के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन आप झाड़ू जरूर लेकर आएं, ये आपको 10 रुपये में भी मिल जाएगा, बहुत सस्ती छोटी सी चीज़ है। झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। दोस्तों झाड़ू लेकर आएँ और झाड़ू को आप नए साल के दिन पूजा स्थान पर रख दें, और फिर आप नया झाड़ू लेकर आएंगे तो पूजा स्थान पर जब रखेंगे तो आप इसके नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दें, और फिर आप शाम के समय इसकी पूजा करें, जैसे माता लक्ष्मी जी के
पास आप पूजा करते हैं, पहले तो एक दीपक जला दें इस झाड़ू के पास, और फिर आप नए साल के दिन आप इसमें थोड़े से कुमकुम, हल्दी और चावल छिड़क दें, फूल लाल पुष्प इसमें डाल दें, रख दें, फिर पूरी रात्रि यूं ही आप पड़े रहने दें, और अगले दिन आपको इससे पूरे घर को साफ सफाई करनी है। दोस्तों इससे घर की दरिद्रता दूर होगी, निर्धनता दूर होगी और आपके घर में खुशहाली छाई रहेगी। तो नए साल के दिन झाड़ू जरूर लेकर आए, झाड़ू बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी के चरण पादुका भी जरूर लेकर आए, चरण पादुका घर में लेकर आने से घर में खुशहाली बनी रहती है, घर में धन वैभव हमेशा टीका रहता है, धन की बारिश होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको नए साल के दिन लेकर आना है, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।